माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के इस वीडियो में बहुत खास क्वेश्चन करेंगे। तो वो खास क्वेश्चन एनसीईआरटी से है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन, एक वर्ड है अगेन जिसको हमने सारे तरीके से जमा दिया, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन अगेन के कितने होंगे, वो आप समझ सकते हैं। ए जी ए आई एन टोटल ये है 5, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि दो ए रिपीट हो रहे हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में ए, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया क्योंकि दो ए रिपीट हो रहे हैं। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 54321 इनटू में, जिसकी वैल्यू होती है 120 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 1, तो 2 इनटू 1 से कैंसिल हो गया, ये टोटल वर्ड्स आएंगे 60। तो इसका मतलब है कि डिक्शनरी में सारे 60 वर्ड्स लिखो जैसे डिक्शनरी होती है। तो डिक्शनरी कैसी होती है आपने देखी होगी, सबसे पहले क्या आना चाहिए डिक्शनरी में, ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर आई आएगा, फिर जी आएगा, फिर आई आएगा, फिर कौन आएगा, एन आएगा, फिर कौन होगा, फिर ए ए होगा, जी एन आई होगा। तो इस तरीके से डिक्शनरी बनाओ और डिक्शनरी में 50th वर्ड ढूंढो, जितना थोड़ा मुश्किल काम है, पर परम्यूटेशन की हेल्प से आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से निकालेंगे। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है रैंक निकालने का, रैंक ऑफ अ वर्ड, अगर आप उस वीडियो को भी देख लें तो आपको इसका कंसेप्ट एकदम सॉलिड हो जाएगा, फिर आप जरा सी भी गलती नहीं करेंगे। मैं इसके साथ एक क्वेश्चन और आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम अगेन पे ही फोकस करते हैं। तो रैंक ऑफ अ वर्ड निकालने का जो वीडियो है वो आप देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो 50th वर्ड निकालना है अगेन में, तो अगेन में 50th वर्ड कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले डिक्शनरी किसको भेजेगी, ए को भेजती है, मतलब भेजेगी यानी ए को भेजने का मतलब है कि फर्स्ट लेटर अगर ए होगा, डिक्शनरी का फर्स्ट लेटर ए से अगर स्टार्ट होगा तो टोटल परम्यूटेशंस कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल कितना होगा, 24 होगा। ये यहाँ पे आप उसको लिखते भी चलें, यहाँ एक हम क्यूमुलेटिव चार्ट बनाएंगे, जो जो वैल्यू आएगी उसको ऐड करते जाएंगे। ए के बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी, ए को, नहीं वो ए और ए कोई अलग अलग थोड़ी होते हैं, वो दोनों ए एक ही होते हैं, दो ए हो 100 ए हो हम अलग अलग पहचान पाते हैं कि कौन सा ए, नहीं। फिर डिक्शनरी किसको भेजेगी, जब डिक्शनरी भेजेगी जी को, तो जब जी ऑक्यूपाई करेगा फर्स्ट प्लेस, तो जो परम्यूटेशन जिनके बनेंगे, जो परम्यूटेशन जिनके बनेंगे उनको मैं कहूंगा कि जो घूमेंगे, तो जो घूमेंगे ए ए आई एन वो होंगे 4, तो वो होंगे 4 4, तो 4 फैक्टोरियल, पर वो उनमें 2 ए रिपीट होंगे। जो मूवमेंट करेंगे, जब जी फर्स्ट पोजीशन में रहेगा तो जो मूवमेंट करेंगे वो डबल ए आई और एन 4 होंगे, पर उन 4 में 2 ए रिपीट होंगे, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, जिसका वैल्यू होगा 12, 24 प्लस 12 36 रख दिया, 36 वैल्यू आ गई। अब जी के, अभी हमें कौन सा वर्ड चाहिए, अभी दोस्तों हमें 50th वर्ड चाहिए, तो अभी हमारी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि अभी हम 36th वर्ड तक पहुंचे। अब जी के बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी, डी के, जी के बाद डिक्शनरी हमारी भेजेगी आई को, तो जब आई हमारा फर्स्ट पोजिशन में होगा तो जो मूवमेंट करेंगे वो कौन मूवमेंट करेंगे, वो आई जब फर्स्ट पोजीशन में होगा तो मूवमेंट करेंगे डबल ए जी और एन, तो वो होंगे टोटल 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24 डिवाइडेड बाय 2 12, तो ये 36 में ये 12 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 48। अब आई के बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी, आई के बाद डिक्शनरी भेजेगी एन को। अब एन अगर हमारा फर्स्ट पोजीशन में आएगा, तो एन अगर फर्स्ट पोजीशन में आएगा तो एन से स्टार्ट होने वाले भी होंगे वही 1 2 3 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 24 बाय 2 12 12 12, इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर हम 12 ऐड करेंगे तो दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 60, और हमें 50th वर्ड चाहिए, हमें 60th वर्ड तक नहीं जाना है,
तो इसका मतलब है जो भी हमारा वर्ड स्टार्ट होगा वो अब किससे स्टार्ट होगा, एन से ही स्टार्ट होगा। तो मैं अपनी भाषा में कहूंगा कि एन वाले में, एन एन वाली सीरीज में घुसो, एन वाली सीरीज में आप घुस गए तो एन को कट करो। अब डिक्शनरी का सबसे पहले किसको भेजेगी? अब डिक्शनरी एन के अंदर सबसे पहले भेजेगी ए को। ए से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे? तो जब ए से ले, ए फर्स्ट पोजीशन में होगा तो घूमने वाले होंगे जो जी ए आई, थ्री फैक्टोरियल। थ्री फैक्टोरियल मींस होता है 3 × 2 × 1, 6। अगर 6 इसमें ऐड करेंगे तो हम हो जाएंगे 54th पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो आप एक काम करो, ए वाली सीरीज में भी घुसो, ए वाली सीरीज में घुसो। तो ये ए कैंसिल हो गया। अब डिक्शनरी किसको भेजेगी? डिक्शनरी फिर से पहली पोजीशन में कौन आएगा? डिक्शनरी के हिसाब से ए आएगा। तो जब डिक्शनरी में सबसे पहले ए आएगा तो ए से चालू होने वाले कितने हो जाएंगे हमारे पास? जी और आई, जी और आई। तो जी और आई दो होते हैं तो उनसे टोटल परम्यूटेशंस कितने बनेंगे? 2 फैक्टोरियल। वो 2 फैक्टोरियल तरीके से घूमेंगे। अगर 2 फैक्टोरियल इसमें जोड़ दूंगा तो 50 आ जाएगा। तो अगर टोटल उस मतलब 50th पोजीशन भी उसी से आ रही है तो भी आप एक कहो कि उसी में हम घुसेंगे। तो उसमें कैसे घुसेंगे? तो डिक्शनरी सबसे पहले ए को भेजेगी और ए से चालू होने वाले हो गए 2 फैक्टोरियल, 50th आ जाएगा उससे। तो ए में भी आप घुसो। अब डिक्शनरी किसको भेजेगी? सबसे पहले अब डिक्शनरी भेजेगी जी को, ए को काट दो। अब डिक्शनरी भेजेगी सबसे पहले जी को। जब जी पहली पोजीशन में रहेगा तो घूमने वाले कितने रहेंगे? तो घूमने वाला एक रहेगा, 1 फैक्टोरियल। तो वो 1 फैक्टोरियल हुआ। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। वो 48 + 1 कितना करेंगे? तो हो जाएगा 49th। अब जी के बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी? जी के बाद डिक्शनरी भेजेगी आई को। अब अगर आई पहली पोजीशन में होगा तो घूमने वाला कौन होगा? आई पहली पोजीशन में होगा तो घूमने वाला होगा जी, 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल अगर 1 होता है इसमें ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो आई में भी मैं कहूंगा घुसो। तो अब आई के बाद कौन आएगा दोस्तों? आई के बाद अब आएगा आपके पास जी। तो जी को भी आप यहां पे कट कर दो, इसको भी 1 वैल्यू दो और आप देखो कि ये आपका 50th वर्ड है। कौन सा वर्ड है 50th वर्ड आपका? तो आपका 50th वर्ड है एन ए ए आई जी, एन ए ए आई जी, ये आपका 50th वर्ड है। 50th वर्ड ऑफ द डिक्शनरी इज एन ए ए आई जी। अब ये मीनिंगफुल हो मीनिंगलेस हो इट डज नॉट मैटर, हम सारे केसेस बनाते हैं, उसमें जो निकल जाता है उसे लिख देते हैं। अब मैं आपको एक वर्ड और दोस्तों प्रैक्टिस कराता हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। और उसमें भी रिपीटेशन लेते हैं क्योंकि रिपीटेशन लेने से आपको कॉन्फिडेंस में आपके ग्रोथ होगी। तो वो वर्ड है आपका सत्या ले लेते हैं और 100th वर्ड ले लेते हैं आपको। 50th की जगह क्या ले लेते हैं इसमें दोस्तों? 100th वर्ड निकालते हैं। सत्या में 100th वर्ड क्या होगा तो देख लें एक बार काउंट करके, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 720। इसमें 2a रिपीट हो रहे हैं तो 2a रिपीट हो रहे हैं तो ये हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल इज 2 तो 360 आ गया। तो टोटल जो डिक्शनरी में टोटल वर्ड्स बनेंगे वो 360 बनेंगे। और हमें कौन सा वाला निकालना है? हमें 100th वर्ड निकालना है। तो 100th में डिक्शनरी सबसे पहले किसको भेजेगी? डिक्शनरी सबसे पहले भेजेगी ए को। ए से चालू होने वाले कितने हो जाएंगे? तो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, कितने हो गए ये? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 120। हमें कौन सा वर्ड निकालना है? हमें 100th ही निकालना है। तो इसका मतलब हमें डिक्शनरी के अंदर एंट्री करना पड़ेगी। हमारा जो वर्ड होगा वो किससे स्टार्ट होगा? वो ए से ही स्टार्ट होगा। अब डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आ गया? ए। तो ए को एक को काट देते हैं, किसी भी ए को काट दो, इसको 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 काट दिया मान लीजिए। अब डिक्शनरी सबसे पहले किसको भेजेगी आपकी? अब डिक्शनरी वापस से किसको भेजेगी? ए को। जब ए फर्स्ट पोजीशन में रहेगा तो घूमने वाले होंगे 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा? यहाँ क्यूमुलेटिव आप बनाते जाना। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 4 × 3 × 2 × 1, 24।
अब डिक्शनरी ए के बाद किसको भेजेगी, एच को भेजेगी, तो एच से भी चालू होने वाले कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल, वो ऐड करते जाएं, 24, ये भी 24 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 48। अब एच के बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी, एच के बाद भेजेगी, आप ध्यान से देख लें, एबीसीडी के हिसाब से इसको जमा भी सकते हैं आप, ए के बाद एच आएगा, एच के बाद एस टी वाई, इस ऑर्डर में जमा लें, आपके पास दो है तो चिंता की बात नहीं, इस ऑर्डर में आप जमा लें। तो ए के बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी, एच को, एच के बाद किसको भेजेगी, एच के बाद भेजेगी एस को, एस से चालू होने वाले कितने होंगे, एस से चालू होने वाले, तो यहां एस पे हाथ रख दे, 1 2 3 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल यानी 24, ये हो गया आपका 72। एस के बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी, टी को भेजेगी, तो टी से भी आपके पास 4 फैक्टोरियल हो जाएंगे, 24, ये हो जाएगा आपका, इसमें ऐड कर देंगे तो 96। अब ध्यान से देखें, टी के बाद किसको भेजेगी, वाई को, जब वाई को भेजेगी तो y से भी इतने ही होंगे, 4 फैक्टोरियल 24, और 96 में जब वो 24 ऐड हो जाएंगे तो 100 को क्रॉस कर देंगे, 120 हो जाएंगे, तो फिर हम अपनी भाषा में कहेंगे कि y में भी घुसेंगे, y के अंदर ही वर्ड मिलेगा अब अपना, तो y को भी कट कर दें, तो जब y को भी कट कर दिया तो डिक्शनरी अब सबसे पहले किसको भेजेगी, अब डिक्शनरी वापस से सबसे पहले किसको भेजेगी, a को भेजेगी, a को भेजेगी डिक्शनरी, और जो घूमने वाले रहेंगे वो कौन रहेंगे, जब ये पहली पोजीशन में रहेगा तो 1 2 3 ये आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, तो इनसे 3 से 3 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस बनेंगे, 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो जब 6 ऐड करेंगे तो वो 100 को क्रॉस कर देगा, तो फिर इसका मतलब है कि ए में भी अपन कहेंगे कि ए में घुसेंगे, तो ए में हम चले गए। अब डिक्शनरी किसको भेजेगी सबसे पहले, तो अब डिक्शनरी भेजेगी, अब ध्यान से देखते चले आप, यहाँ पे डिक्शनरी भेजेगी एच को, जब एच फर्स्ट पोजीशन में आएगा तो जो घूमने वाले होंगे वो एस और टी होंगे, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 2, वो इसमें ऐड कर दें, कितना आ गया अपने पास, 98 आ गया। अब एच के बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी, एच के बाद डिक्शनरी भेजेगी एस को, एस को भेजेगी, एस से चालू होने वाले कितने होंगे, व्हेन एस ऑक्यूपाइज फर्स्ट प्लेस, 2, टी और एच, दे कैन अरेंज देमसेल्व्स इन 2 फैक्टोरियल वे, वो 2 फैक्टोरियल तरीके से जमेंगे, 2 फैक्टोरियल यानी 2 इसमें ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो फिर हम कहेंगे कि हम एस में भी घुसेंगे, एस में भी घुसेंगे। तो सबसे पहले अब डिक्शनरी किसको भेजेगी, अब डिक्शनरी सबसे पहले किसको भेजेगी, एच को, तो एच को भेजेगी, तो जो घूमने वाला रहेगा वो रहेगा टी, 1 फैक्टोरियल, उसकी वैल्यू होगी 1, वो क्यूमुलेटिव वाले में ऐड कर दे, 98 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 99। एच के बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी, टी को, अब टी से चालू होने वाले कितने होंगे, 1 फैक्टोरियल 1, और वो इसमें ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो टी को भी कट कर देंगे। फिर टी के बाद डिक्शनरी किसको भेजेगी, टी के बाद अब मजबूरी है, किसको भेजेगी डिक्शनरी, टी के बाद भेजेगी एच को भेजेगी, तो एच को भी कट कर दें, ये रहेगा 1, और ये ही आपका होगा 100th वर्ड। तो 100th वर्ड कैसे निकलेगा, तो देखते चलें, जो कटे हुए ए कटा था, ए के बाद वाली लाइन में वाई, वाई के बाद ए, ए के बाद एस टी एच, तो 100th वर्ड आपका दोस्तों आया है ए वाई ए एस टी एच। अब ये मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है, इट डज नॉट मैटर, पर ये दोस्तों 100th वर्ड सत्या में। तो टोटल आपके पास थे 720 में 100th पोजीशन में ये वाला वर्ड मिलेगा। इसका जो कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं वो इसकी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। इन केस इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, प्लीज लेट मी नो, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे कभी भी अप्रोच करें, कभी भी फोन लगाना है फोन लगा सकते हैं, व्हाट्सएप करना व्हाट्सएप करते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई वेलकम यू ऑल, और मेरी एक ही इच्छा है कि आप आगे बढ़ें, देश आगे बढ़ेगा,
और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और दोस्तों तक इसको पहुंचा दें, यही मेरी आपसे इच्छा है और मेरी बेस्ट विशेष है। विश यू ऑल द बेस्ट।